आइए, जैसा कि हमारे भूमिका के अंदर कहना है, के राम ही राम की जब भजन कर रहे तब कठिन है समझना नियत राम की। भक्त की भावना भी भ्रमित हो गई, खो गई है महत्ता क्या हरि नाम की। राम दशरथ सुवन है या दूजा कोई, ऊनते भक्त हनुमान मन में यही हो। परशुराम संकित लगा पूछने, वह कौन राम है राम कहिए सही। आइए एक विराम, जैसा कि आज नाग पंचमी का शुभ अवसर है और पूजा पाठ अखाड़े पर हो रही है, लेकिन एक अद्भुत प्रसंग और रहस्य इसका आज तक प्रमाण मिलेगा इसका आज तक। एक लाइन या कव्वाली का नमूना बा, कवन कव्वाली बा, कहानी का विराह के कहानी का शुरुआत हो रहल बा। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय श्री प्राप्त करके और अयोध्या में आ गए। जब अयोध्या में आए तो उनका प्रतिदिन का एक काम हो गया। कौन सा काम हुआ? नियम बन गया। नियम यह बनल कि सुबह में दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर, आ जब निवृत्त हो जाए तो एक जगह एकांत में बैठ के एगो श्लोक भजें। आ श्लोक का भजें? तो श्लोक यह भजें कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोर में सहस्त्र नाम तत तुल्यम राम नाम बरानने। यह भगवान राम श्लोक भजें, आंख बंद करके राम राम का नाम ले। लेकिन प्रतिदिन का काम हनुमान जी का भी होगी रहल। हनुमान जी का काम का भई रहल? हनुमान जी का ही काम रहल कि भगवान राम का एकदम तड़के सुबह सुबह आके दर्शन करना। लेकिन फर्क रहे, फर्क बस यह रहे कि जौना समय भगवान राम इस लोक भजें राम का नाम लें तो हनुमान जी दर्शन करे खातिर कबो पहले ही आ जाए, नहीं तो ये श्लोकवा भज ले करी बाद में। एक दिन संयोग जुट गए कि जौना समय भगवान राम इस लोक भजत हुवन राम का नाम लेत हुवन, उसी समय हनुमान जी का आगमन हो गया। पहुंच गई ला ना, जब देखलन अपने मुंह से भगवान राम के की खुदई श्लोक भजत हुआ ना राम का नाम लेत हुआ, तो हनुमान जी शंका में पड़ गए। उहे एक लाइन कव्वाली लगत बा मास्टर, कौन कव्वाली बा? एक कव्वाली के विगत वर्ष में हमरे पिताजी शुरुआत कैले रहलन, अपने अंदाज में ए कव्वाली के रचना कैलन। अरे दो दिन दरिया की धार
पहचाए तो वाली के नमूना बा, लेकिन हमारे बिरहा के अंदर कहना भाई हनुमान जी का सोचा तो हुआ लिखे के पड़ल कहानी के रूप में कि जब भक्ति अरे जब भक्ति सशंकित हो जब भक्ति सशंकित हो जाए तब राम उसे जब भक्त सशंकित हो जाए अरे तब राम उसे निह संग करे तब राम उसे निह संग करे कहानी ऐसे से हमार बिरहा के आगे बढ़ल हनुमान जी जवन बा सोच रहल बाड़न भगवान राम राम के ये देखें बहुत ही सुंदर ढोलक वादक और आल्हा के भी बहुत ही सुंदर गायन हमारे कुलदीप भैया जी जिनका कोई जोड़ा नहीं बड़ा पहले बिरहा में आप ढोलक बजवला और ढोलक छोड़ के खुदे आल्हा आप गावे लगला बहुत बहुत प्रणाम बा सब भैया लोग के नमस्ते प्रणाम बा ता कहली की कहानी ऐसे से आगे बढ़ल ठीक ठीक हम बतावली कि हनुमान जी जवन बा शंका में पड़ल हुन शंका में यह पड़ल हुन कि भगवान राम के कर खुदे स्मरण करत और खुदे ही भगवान राम हुन दुनिया इनकर पूजा करे ला ई कौन राम के भजन लग रहा तो कहना भाई कहानी आगे बढ़ल का लार ला 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 सुबह का वक्त था अवधेश राम ध्यान किए तभी पहुंचे कपि जी दर्श कायर मान लिए राम जी राम का ही नाम राम जपते रहे सुनत ससंग लोक में कपि विचरत रहे ध्यान टूटा तो प्रश्न ताक दिए कपिराई हनुमान जी चुपचाप बैठ गए बैठ गए कि अब पूजा पर से उठस
ध्यान इनकर जब टूटे तब अपन हम प्रश्न करी। अच्छा भगवान राम क जब ध्यान पूजा पर से उठलन है तो हनुमान जी अपन प्रश्न का दगलन है, ध्यान टूटा तो प्रश्न दाग दिए कपिराई, ध्यान टूटा तो और प्रश्न दाग दिए कपिराई, कौनो राम है बसे है इनकर हुराई। हनुमान जी के देख के भगवान राम कहलन कि हनुमान आ गए। भगवान राम से हनुमान जी कहलन कि सरकार कब्बे के आयल है, लेकिन मन में एगो बात हमारा खटकत बा। कौन बात खटकत बा? तो कहलन कि ये सरकार पूरा दुनिया तोहके भजले, तोरे नाम के स्मरण कर ले, तू कौन है राम के भजा लगला? एकरा मतलब कि तोरो से केहू बड़ियार ये दुनिया में राम पैदा हो गई। जब हनुमान जी को बात सुनलन भगवान राम तो मुस्कियाए लगलन, खलक मुस्किया मत सरकार, हमारे प्रश्न का जवाब दो, उत्तर दो। गीत बदल गए मास्टर, कौन गीत लगत बा? देखा गीत जवन बाप पचरा वाली गीत है, माता बहन लोग गावे ले, कैसे गावे ले? के मैया हो रौरे दुअरिया आइल, अरे मैया हो रौरी दुअरिया आइल, बासवा कवाये मैया, गीत का तो नमूना ही है बात के कपिवारी हो मंगल के दिन अइहा, कपि हो मंगल के दिन अइहा, हो कपि हनुमाये कपि भाव पे पुनः आपकी ओर से आशीर्वाद आया है। श्री आनंद यादव उर्फ मुन्ना यादव हमारे चाचा जी, बहुत बहुत आपके चरणों में श्री चरणों में प्रणाम बा पूरी टीम के साथ। राम कलन की भगवान हनुमान तुम्हारे प्रश्न का जवाब आज नहीं मंगलवार के दिन दूंगा। अच्छा हनुमान जी करे तो क्या करे? अब तो इंतजार न करे, अब इंतजार न करे के बाकी मंगलवार के भगवान हमारे प्रश्न का जवाब दिहन। सुबह में आना एकदम मंगलवार के दिन। हनुमान जी इंतजार में हो गेलन, धीरे धीरे समय बीतल आ गए मंगलवार दिन, पुनः आ गेलन भगवान राम के लगे, देखत बान कि भगवान आंख बंद करके उहे श्लोक भजत हवन, राम रामे ती रामे ती रमे रामे मनोर में, हस्त नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।
राम राम का नाम लेतन चुपचाप ही बैठल बाड़न की जल्दी आँख खोलस। भगवान पूजा पर से उठलन देखलन हनुमान के कलन के हनुमान आ गए। खला हनुमान जी की सरकार वही दिन से इंतजार में है। कांटा जैसा चुभत बा, जल्दी आप बतावा कि आखिरकार कौने राम के भजेला। अच्छा अच्छा अभी बता रहा हूँ। भगवान राम कैलन है काम। अरे मंगल के दिनामा धीरा जी आई गईले, प्रभु से पूछता भईले देवा प्रभु जी एगो चंदन का लकड़ी का टुकला लेलन भगवान राम। ले के अपने हथेलिया पर लगलन रगड़े, रगड़त रगड़त हनुमान जी भगवान राम कैलन है काम। चंदन रगड़ के राम, राम जी का नाम लेके, राम जी का नाम लेके दिहले आकाश में ओही चंदन के लकड़ी के टुकड़ा के फेंक देलन भगवान राम हथेलिया पर गड़ के। आ वही श्लोक राम रामेति रामेति रमे रामे मनोर में सहस्त्र नाम तत् तुल्यम राम नाम बरान रहे। राम का नाम लेके आकाश में फेंकलन तो चंदन का लकड़ी जौन बा आकाश में लगल उड़े। भगवान राम हनुमान जी से कहलन कि हनुमान इस चंदन का तुम पीछा करो, जाओ जहाँ यह चंदन जा करके सट जाएगा समझ लेना कि मैं उसी राम को भजता हूँ। और देखें पुनः पुरस्कार सादर 100 रुपया परम सम्मानित बाबूजी श्री अंबिका यादव जी आपकी ओर से प्रदान किया गया है। क्षणों में बहुत बहुत आपके प्रणाम बा। अच्छा कहलन कि जब हमारी चंदन का लकड़ी सट जाए तो हमें समझ लिया कि वह हम ओही राम के भजिला। हनुमान जी तो अब जवन बा चंदन के लकड़ी के पीछा न कर लहलन, चंदन के लकड़ी के पीछा कर लहलन और लगल आकाश में चंदन उड़त चल रहलस। आ जब चलल तो हनुमान जी पीछा कैलन लेकिन गीत एजा मास्टर बदल गई। कौन गीत बा तनी बढ़ाऊ। नई गीत में का बतावला चट चट चूड़िया तोड़ला, अरे चट चट चूड़िया तोड़ला हम बनावम कन्हैया में मोर के मन बहो राजा जी, चट चट चूड़िया तोड़ला। अरे चट चट चूड़िया सरल गीत ना हो, तोरा नियर आजकल का जितना नयका लड़का बड़न सा उन्हर का माथा सरल बा। ऐसे कि आरो का पानी पिया थे जाम लेगा। पुरान गीत हो पारंपरिक गीत हो ए लाइन का ये लय का गीत जवन बा माता बहिन लोग आप लोगन के घर का हमारे घर का माता बहिन लोग आवे लेन कौन जेवना समय शादी विवाह में
लावा भुजाई का रसम होला। वही समय लावा भुजाई के रसम पर गीत गावे लिन जब भरसाई में जालिन गोड़िन के लगे तो वो गोड़िन पर एक लकड़ी लहावे लिन अल्लाहावत के गीत गावे लिन कहे लिन का गावे लिन पातर पातर झिंगा मछरिया जवन चंदन वाला लकड़ी का टुकड़ा भगवान फेंकले रहलस उहे चंदन उत्तर दिशा की ओर उड़त चल रहलस आ जब उत्तर दिशा की ओर चलल चंदन तो हनुमान जी भी पीछा कह के चल रहलन वही उत्तर दिशा की ओर लेकिन उड़त 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 चंदन कहाँ गई हन अरे उत्तर दिशा में चंदन पहुंचल एक धाम पे उड़त उड़त एगो धाम पर पहुंचल आ कोने धाम पर पहुंचल अरे उत्तर दिशा में चंदन पहुंचल एक धाम पे माला लेके भजे भक्त वही श्लोक का नाम के एगो भगत महाराज आंख बंद कैके आ उहे श्लोक जौना श्लोक के भगवान राम भजत रहलन की राम रामे तिरामे तिरमे रामे मनोर में सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरन ने ओही श्लोक के भगत महाराज भजत हुआ आंख बंद कैके राम का नाम लेते हुए ओही भगत महाराज के चंदन जवन बाल लगलन चक्कर लगावे हनुमानो जी चक्कर लगावत बड़न लेकिन हनुमान जी सोचत बड़न की बुझाता ही नहीं में सटी है का तनी नजर जब खेर के हनुमान जी और भगत महाराज की ओर देखलन तो का देखलन हम अरे बीस भुजा दस शीश मजे करे जब हनुमा ए भैया तंदूरे आधा
हाँ खाली पैसा नजर खेर खेर के वही भगत महाराज की ओर देखलन तो देखत बन के अरे बाप रे बाप रावण 20 भुजादारी और 10 शीश जवने रावण के हमारे प्रभु अंत कह देलन रावण बैठल बा जवने इस लोक के हमारे प्रभु भजलन वही इस लोक के रावण भजत बा लेकिन गीत बदलत बा मास्टर कवन गीत बा शुरुआत हमारे पिताजी कैले रहलन कौनो मेहरारू गाजा के पौधा के लगे बैठ के गाजा के सुघरावत रहल सुघरा के गाजा के पौधा के आइहे कहे कि यही रे गजबा कैसे हमारे पिताजी शुरुआत कैले रहलन अरे गजबा के पीके यही गजबा के पीके अरे बर्बाद भइल राजावा अहिरे गजवा तसैया भइल नस बजवा अहिरे गजवा गीत गीत का नमूना बा लेकिन कहना भइल विराह के अंदर का अरे राम हाथ पवल सजे मने ए भैया राम हाथ पवल सजे मने अरे रावण माऊआ पिया सोचे कभी हनुमान जी सोचत बनन के अरे बाप रे ई कैसन आश्चर्य लेकिन बाबूजी देखा चंदन वहां भी रावण में भी नहीं सटा और वहां से चल लिया कहां चला अरे चक्कर लगा के चंदन चल दक्षिण दिशा अरे पीछे पीछे पहुंचले हनुमत कपीसा दक्षिण दिशा की ओर चला और जब दक्षिण दिशा की ओर चला तो गया कहां कि भोलेनाथ भोलेनाथ आगे जो है धुइया रमा करके त्रिशूल जवन बा गड़ल बा अब भोलेनाथ भी वही एकदम भाव में बाणन की आंख बंद करके वही से लोग के भजत हो शक्कर जाय के चंदन लगलन लगावे भोलेनाथ का हनुमान जी सोच गेलन कि अब भोलेनाथ में ही जरूर सोटी लेकिन भोलेनाथ में भी नहीं सटा अच्छा भोलेनाथ में ना चंदन सटलन हा तो हनुमान जी जवन बाड़न तनी नजर फेर के अब वही भोलेनाथ की ओर देखत हुवन तो का देखलन हा गीत बदल गई मास्टर कवन गीत बा अरे मेरा नाम है चमेली अब मेरा नाम है चमेली मैं हूँ मालनिया लवेली चली आई मैं अकेली बीकाने से देखे अगल बगल श्रीमान अब देखे अगल बगल श्रीमान आंखें बंद लगाए बैठे इक्यारा हनुमान हनुमान की एकदम 11 हनुमान हमारे नाको नक्स का अगल बगल 11 हनुमान बैठल हुआ हनुमान जी शंका में पड़ गए कि साला हम असली की है 11 हनुमान असली अब अले तो हम रामे के चक्कर में रही है कि असली हवन की नकली हवन अच्छा हम असली की है 11 हनुमान असली हनुमान जी तो शंका में पड़ल हाँ
लेकिन देखा ये पुरस्कार आया है सादर 50 रुपया श्री आनंद यादव आप चाचा जी की ओर से बहुत बहुत प्रणाम बा। कहना है टेरी के शैली बिरहा के शैली में कहना भेल। अरे अवध के राम राम है नहीं अरे मोरे राम हो राम अवध के राम राम है नहीं तो भजते राम भजन में भटके लोग तम चंदन भोलेनाथ में भी नहीं सटा वहां से प्रस्थान कर दिया कहां चला बिरहा के पहपट में कहना भेल। अरे किया है चंदन ए भैया किया है चंदन अरे पूरब को प्रस्थान धाम सुनसान जहां ए बाबू किया है चंदन अरे पूरब को प्रस्थान धाम सुनसान जहां अरे पीछे पीछे पहुंच गए हनुमान और देखें कार चंदन पूरब दिशा की ओर चल दिया धीरे 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 हनुमान जी भी बढ़ते गए और एकदम शून्य जगह पर जहां पर न पशु न पक्षी न जीव न जंतु ये चंदन पहुंचलन हा। आ जब पहुंचलन तो हनुमान जी भी पीछा कर चल दहलन का कहना भई लाला के अंदर अरे सुतले पीताम्बर धारी सुतले पीताम्बर धारी तान के पीताम्बर भैया जैसे लागत बा की केहू पीताम्बर धारी बा आ पीला वस्त्र ओढ़ के सुतल बा धीरे 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 चक्कर लगावे लगलन वही पीताम्बर धारी के जवन बा उहे चंदन आ जब चक्कर लगावे लगलन तो चक्कर लगावत लगावत भई हो कौन अरे चक्कर लगावत बाबू अरे वही पीताम्बर में चंदन जाके सती हो गई आखिरकार पीताम्बर तो पीताम्बर में चंदन तो सट गया आ जब चंदन सटा तो हनुमान जी कहना बस 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 हमारे प्रभु का प्रभु भेटाए गेलन लेकिन इनकर पूरा शरीर पूरा चेहरा झकायल बा बाबू कैसन बड़न तनि रूप भी देखल जरूरी बा। हनुमान जी गेलन पैर की ओर आ पैर की ओर जाय के आ धीरे धीरे जवन बा लगलन पीताम्बर सरकावे चेहरा देखे खातिर आ जब पीताम्बर सरकावे लगलन तो भइल हो कौन
अरधई के पीताम्बर लास्ट है। आखिरकार बाबूजी हनुमान जी देखलन पीताम्बर जब घिचलन तो आधे पर से पीताम्बरवा फाट गई। अब फाट गई हाथ में आ गई लउ जवन पीताम्बर धारी रहलन पीताम्बरवा लेके खत्म उड़ गई। कलन की अब ला और बनल। अब आई तो हम अपने राम के राम के देखियो न पवने आ लेके भागिए गेलन तो करे तो का करे भगवान राम के पास लेके गेलन। भगवान राम के पास लेके अलन और भगवान राम के जब लगे लेके अलन तो भगवान राम एक बात कहलन हनुमान जी से का कहलन अरे कहे अंजनी लाल ए बाबू कहे अंजनी लाल राम से बात सगरी तो दर्शन सुतला मनैया के नाम हनुमान जिस रूप का तुम दर्शन नहीं कर पाए उसी रूप को मैं रोज भजता हूँ निरंतर भजता हूँ। वो रूप तेरे अंदर भी है मेरे अंदर भी है दुनिया के लोगों के अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। हनुमान जी कलन की सरकार तही पीताम्बरवा के का करे कलन की पीताम्बरवा के न फेंको न फूको। हनुमान पीताम्बर के जवन बा रूप बनी कलयुग में कौन रूप बनी बतवलन भगवान राम। अरे आधा लिए पीताम्बर मन में अब सोच रहे कपिराई हो आ कहे राम आधी शक्ति वह राम के कैला पाई झंडा बने ए भैया महावीर के झंडा बना अरे पीताम्बर लहरी तो पूजा करी है कलयुग में साधु संत जो उसी पीताम्बर का कलयुग में हनुमान जी का जो प्यारा पीताम्बर है पूजा होता है। और आज भी कलयुग में हम लोग देखते हैं जैसे आज ही देखिए ये पीताम्बर जो है फहर रहा है हनुमान जी का तो कहना हुआ क्या। सदगुरु स्वामी परशुराम राधे इंदु श्रीनाथ दयाल बच्चन विजय कांत गाम शिवधर जी है नहीं ए भैया अवध के राम राम है नहीं तो लिख गए परशुराम लेकर स्वामी का नाम अवध के राम।